नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी का ऐसा पहला लक्षण जो अमूमन कई सारी महिलाओं में पीरियड डेट के आसपास यानी पीरियड से पहले ही ये लक्षण महसूस होने लगते हैं। दूसरी बात, आपने सुना होगा कि आपको पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद या फिर महसूस भी किया होगा कि ब्राउन डिस्चार्ज क्या आते हैं। तो ये ब्राउन डिस्चार्ज जो होता है ये प्रेगनेंसी का लक्षण भी होता है। लेकिन डिस्चार्ज जो होता है वो प्रेगनेंसी को जानने में आपकी कैसे मदद करेगा, ये आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये कब आता है यानी कि आपके पीरियड्स के बाद रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद ये शो होता है जब आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है, ये पूरी बात इस वीडियो में काफ़ी विस्तार से आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ब्राउन डिस्चार्ज है वो किन किन केसेस में आ सकता है। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि अगर महिला के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है, यदि उन्हें पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है या फिर उन्हें थायराइड संबंधित कोई भी समस्या है, तो ऐसी परिस्थिति में भी ब्राउन डिस्चार्ज महिलाओं को होते हैं। दूसरी कंडीशन होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, यानी गर्भ जिस स्थान पर रुकता है उसे हम गर्भाशय बोलते हैं। लेकिन गर्भाशय की परतों से आपका गर्भ ना जुड़ते हुए आपकी नलियों में यानी फिलोपियन ट्यूब में ही यदि बच्चा ग्रो करने लगता है और ठहर जाता है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। अब ये कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला और सबसे मेन जो रीज़न होता है वो गर्भ रुकने का सबसे पहला संकेत भी हो सकता है। जब आप रिलेशन में आते हैं, आप पीरियड्स के बाद जब संबंध बनाते हैं और वो आपका ओवुलेशन का समय होता है, तब आपके अंडे को निषेचित करने का सबसे अच्छा टाइम होता है और आपके पति का जो सेल होता है वो अंडे में प्रवेश कर जाता है। उसी के बाद जैसे कि आपके पीरियड्स का डे वन है तो उसके अगले 20 दिनों के अंदर या 22 दिनों के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं आपके संपूर्ण रूप से शरीर के अंदर और आपका गर्भधारण भी हो जाता है। जैसे ही आपके पीरियड का जो एक्सपेक्टिंग डेट है, अगर उसके 3 से 4 दिन पहले या 3 से 4 दिन बाद भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज दिखाई दे और वो लगा 2 से 3 दिन तक रहे, तो ये आपकी प्रेगनेंसी का पहला लक्षण हो सकता है। इसलिए होता है क्योंकि आपके गर्भाशय की परतों से जब जा करके एक छोटा सा भ्रूण, जिसे हम अर्लियर स्टेज में जाइगोट कहते हैं, एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर होता है जो मल्टीपल सेल्स में बहुत क्विकली डिवाइड होता रहता है, वो जाकर स्टेबल हो जाता है और जब वो गर्भाशय की परत से लाइन से जाकर जुड़ता है तो यहाँ से कुछ ब्लड के स्टेन निकलते हैं जो आपको बाद में ब्राउन डिस्चार्ज के जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आप कैसे पहचानेंगी, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक गंभीर समस्या होती है। इसे ज़्यादा दिनों तक हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सही प्लेस पे ना होने की वजह से महिला के साथ, महिला की जान के साथ ये रिस्क की प्रेगनेंसी में काउंट किया जाता है। तो ऐसी प्रेगनेंसी जब महिला को रुकती है तो आपको हाई फीवर होता है, साथ ही साथ ब्राउन डिस्चार्ज होता है, आपको उल्टी और चक्कर जैसे भी सिम्टम्स आ सकते हैं और कमर और पेड़ू में यानी नाभि के नीचे के तरफ पेट के हिस्से में बहुत तेज दर्द भी हो जाता है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण होता है। कुछ हार्मोनल इश्यूज या फिर आपको जैसा कि मैंने बताया पीसीओडी पीसीओएस के कंडीशन में होता है, तो वो आप लाइफस्टाइल ठीक करके, आप अपने डाइट बैलेंस करके बहुत ही अच्छे से क्योर कर सकती हैं, बहुत इमीडिएटली वो हो जाता है सही। लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन होती है इन्फेक्शन। जैसे आपको अगर आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी तरह की इन्फेक्शन, क्योंकि चूंकि बैक्टीरिया पहले से ही मौजूद होते हैं प्राइवेट पार्ट में, तो वो कई बार अनवांटेडली ग्रो करने लगते हैं, काफ़ी भारी संख्या में आपके अनहाइजीन मेंटेन करने की वजह से होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में भी ब्राउन डिस्चार्ज कई बार हो जाता है। लेकिन उसको पहचानने का तरीका है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मेल भरा होगा यानी गंदी स्मेल उसमें से आएगी, उस समय भी आपको दर्द और इसके अलावा रिलेशन बनाने में परेशानी हो सकती है, फीवर भी आ सकता है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सेफली अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करना चाहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस तरह से अपनी प्रेगनेंसी को काफ़ी जल्दी आप समझ पाएंगी और साथ ही साथ प्रेगनेंसी की जुड़ी हुई और भी कई सारे महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं जिस पे आप वीडियोस काफ़ी सारे इसी चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं, जिससे बिना किसी टेस्ट समय से पहले ही आपको प्रेगनेंसी समझने में अपनी आसानी हो जाएगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपको डेली मिलते रहें। अगर कोई भी आपकी क्वेरी और समस्याएँ हैं तो आप मुझे कमेंट, मेल या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।